हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से कितना होगा। कोई शेल आपने ले लिया जिसकी रेडियस आर ली, जिसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो तो वो कितना होगा। कोई पॉइंट हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है पी, जिसका डिस्टेंस जो है वो आर है, तो इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये हम निकालेंगे। देखो, अगर कोई कहे पी पर कितना पोटेंशियल होगा, तो इस क्वेश्चन से हमारा मीनिंग जो है वो ये है कि अगर पी पॉइंट पे किसी पार्टिकल को हम रख दें तो क्या वो पार्टिकल एनर्जी गेन करेगा। अगर एनर्जी गेन कर लेगा तो इसका मीनिंग है कि पी पर पोटेंशियल है, ये चीज वेरीफाई होती है। अगर वो पार्टिकल कोई भी एनर्जी गेन नहीं करता तो इसका मतलब है कि पी पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। इस तरीके से हम पता लगाते हैं पोटेंशियल का। ठीक है, निकालेंगे कैसे, वही पुरानी टेक्निक जो हमने लास्ट वीडियोस में की है कि जिस भी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, हम चार्ज को, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में वर्क करना पड़ा होगा आपको, वही वर्क डन जो है वो किसकी मेजरमेंट है, पोटेंशियल की। वही वर्क डन आपको क्या बताएगा, पोटेंशियल बताएगा। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर चार्ज को लेकर आएंगे और जितना वर्क लगेगा वो आपको क्या देगा, पोटेंशियल देगा। ठीक है, एक और चीज, आप डिस्टेंस पी का चाहे सेंटर से लो चाहे सरफेस से लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केसेस में पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी सेम होती है, किसके, ड्यू टू चार्ज शेल। चार्ज शेल से जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही वैल्यू किससे आती है, पॉइंट चार्ज से आती है। इसीलिए आप डिस्टेंस कहीं से भी ले लीजिए, ये आर यहाँ से यहाँ तक भी आर है और यहाँ से यहाँ तक भी आर ही मान के चल सकते हो आप। तो ये नहीं, दोनों केस नहीं लोगे, देखो ये नहीं कह सकते कि ये और ये इक्वल है, या तो ये वाला केस ले लो या यहाँ से यहाँ तक ले लो। ठीक है, दोनों केसेस में पी पे क्या आएगा, सेम। शेल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, तीन केस लेके चलेंगे शेल के। पहला केस हम करने जा रहे हैं, केस फर्स्ट, जब पॉइंट पी को हमने शेल से बाहर रखा है, तो पहला केस है आउटसाइड द शेल, पॉइंट को हमने शेल से बाहर रखा है। तो देखिए, लेट क्यू इज द चार्ज ऑन शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये इस पे जो है वो चार्ज है। P इज द पॉइंट, लेट P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस r, स्मॉल r फ्रॉम शेल, वेयर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, जहां हमें पोटेंशियल निकालना है। देखो, कई केसेस में बुक्स में क्या है, डायरेक्ट वैल्यू लिखती है कि पोटेंशियल क्या होता है, v इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r की वैल्यू ये रख देंगे, आंसर आ गया जी। लेकिन अगर तीन नंबर में क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dB बाय dr, ये आपने कर लिया है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, dv को अलग ले लीजिए, dv किसके इक्वल आ गया, माइनस e dr, ये भी आप कर सकते हो। टोटल अगर करें, टोटल करें तो dv क्या हो जाएगा, dv तो हो जाएगा v, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dr। तो पोटेंशियल का एक रिलेशन आ गया, इंटीग्रेशन e dr। इंटीग्रेशन की क्या लिमिट होगी, कहां से कहां तक ला रहे हो आप चार्ज को, चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे पॉइंट पी तक, पी का डिस्टेंस कितना, आर। तो ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां तक जो मूवमेंट है वो इन्फिनिटी से आर तक है, डी आर जो है वो इन्फिनिटी से आर तक आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए,
एज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस केस में, टोटल चार्ज क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ठीक है। ये पुट करते हैं बी में, बी में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस इंटीग्रेशन क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर है dr, ये r और ये इंफिनिटी, जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, माइनस साइन बरकरार है, क्यू भी बाहर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह गया dr अपॉन में r का स्क्वायर, 1 अपॉन में r स्क्वायर, पहले भी इंटीग्रेशन हमने किया है, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन जो आएगा सॉल्व करके वो आता है आपके पास q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय r, ये आपको बताया था कि r स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो -2 पावर हो जाएगी, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं पावर में 1 ऐड कर देते हैं और टोटल नीचे लिख देते हैं, 1 ऐड करेंगे -2 में +1 -1 होगा और नीचे माइनस वन आ जाएगा, उस माइनस वन का तो ये माइनस आ गया और जो ऊपर माइनस वन आया उसको आर आपने नीचे निकाल लिया, कैसे देख लो अगर नहीं याद है तो, इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर, ऊपर लाएंगे तो आर की पावर -2, इंटीग्रेशन का मीनिंग है पावर में 1 ऐड कर दो और जो टोटल आए वो नीचे, ऊपर ऐड किया तो आर की पावर -1 -2 +1 -1 अपॉन में -2 +1 -1, इस माइनस को तो यहां रख लिया और -1 को 1 अपॉन r लिख लिया, तो ये था जो हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, अपर लिमिट r लोअर लिमिट इंफिनिटी, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट बराबर हो गया, वैल्यू पुट करिए q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो v की वैल्यू क्या आ गई q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो गया फर्स्ट केस, जब पॉइंट p जो है वो शेल से बाहर है तो पोटेंशियल ये होगा आपके पास, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन डेरिवेशन ये है हमारे पास, आगे बात समझ में आपको, सेकंड केस करते हैं, अब देखिए सेकंड केस का मीनिंग जब पॉइंट जो है वो कहां होगा, सरफेस पे होगा, वो होगा सेकंड केस इस आर्टिकल का, पॉइंट को हम कहां मान लेते हैं सरफेस पे, देखिए पॉइंट यहां आ गया पी, तो जो आर था स्मॉल आर वो किस में कन्वर्ट हो गया आर में, केस सेकंड व्हेन पी इज ऑन शेल, इसका मीनिंग स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया आर के, एक चीज तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो फिर उसी में हम वैल्यू पुट करेंगे कि एज अभी जो पोटेंशियल था वो किसके इक्वल था q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहां पर आपने क्या पढ़ा कि r इक्वल्स टू r, तो अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल r, ये आंसर है जब पॉइंट क्या है सरफेस के ऊपर है, ड्राइव करोगे तो वैसे ही आएगा अगेन e इक्वल्स टू -dv/dr, वही सब करोगे बस लिमिट क्या होगी, जहां इंफिनिटी से स्मॉल r किया था अब की बार लिमिट होगी इंफिनिटी से कैपिटल r, क्योंकि पॉइंट जहां है उसका डिस्टेंस क्या है कैपिटल r, सॉल्व करके यही आएगा आपके पास, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें, ऐसी कोई वो नहीं है। थर्ड केस देखिए, बट व्हेन p इज लाइंग इनसाइड द शेल, लास्ट केस है P अंदर आ गया शेल के, अब ये जो P है ये यहां है और ये जो डिस्टेंस है ये आपको पता है R है, R less than R, तो आपको पता ही है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है जीरो, तो आपको पता ही है as इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द शेल, क्योंकि शेल के अंदर कोई चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है ध्यान से समझिएगा तो इसका मीनिंग है dv/dr भी क्या हो गया जीरो, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये जीरो हुआ तो इसका मीनिंग है dv क्या हो गया जीरो,
अब मैथ के जो स्टूडेंट है जिनके पास मैथ्स है वो समझते हैं इस चीज को अच्छे से। किसी चीज का डेरिवेटिव तब जीरो होता है जब वो चीज क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी कि अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तभी उसका डेरिवेशन क्या होता है, जीरो होता है। जो बायो के स्टूडेंट्स है वो इस चीज को ध्यान रखें, डेरिवेटिव का मीनिंग होता है चेंज करना उस चीज के अंदर। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसमें चेंज नहीं हो सकता, तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको चीज याद रखनी है। तो v अगर कांस्टेंट रहेगा शेल के अंदर जब पॉइंट है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी ये कैसे पता लगेगा? तो आपको याद रखना है कांस्टेंट जो है वही वैल्यू तो होगी जो हर जगह सेम होगी। कैसे? सरफेस पे वैल्यू क्या है, सेम है क्योंकि हर जगह क्या है r। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो क्या है, वो कांस्टेंट ही तो है क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, सेम। तो कांस्टेंट के केस में हम किसको लेंगे, जो वैल्यू कहां होगी, सरफेस पे होगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल इनसाइड किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ऑन सरफेस, और वो कितना होगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट का मीनिंग है कि वही जो सरफेस के ऊपर है, तो इनसाइड में भी वही होगा जो आउटसाइड में होगा। तो ये तीन केसेस थे शेल के, पोटेंशियल के। थर्ड केस आपको याद रखना है अर्जेंटली। और अगर आप इसका ग्राफिकल वो देखें वेरिएशन, तो देख लीजिए ये डिस्टेंस r, ये पोटेंशियल v, सेंटर o, यहां तक रेडियस r है। यानी कि ये जो है केस जब स्मॉल r छोटा है कैपिटल r से, ये सरफेस पे आ गया, और आगे जाएंगे तो कैपिटल r बड़ा हो जाएगा r से। तो हमें पता है अंदर हो या सरफेस पे हो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन सरफेस से बाहर जब जाएंगे तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ तो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और यहाँ पोटेंशियल इनवर्सली हो जाता है आर के। पहले भी किया ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने। तो चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ये तीन केसेस आएंगे, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। ये चीज नहीं आई है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी शेल की वजह से निकाली थी, तो वहां पर इनसाइड जीरो होती थी, लेकिन यहाँ ये चीज है कि फील्ड जीरो होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा।